तो गाइज ये है हमारी सबसे बड़ी खाला, जिसे हम क्या पूरा खानदान आपा बोलता है। सर आपके बहुत बड़े फैन है सर, मैंने आपने उसको मैसेज भी किया था। नहीं, और ये सालम हाफिज जी का मदरसा, मैं उनकी तरफ कैमरा मोड़ देना हूँ। तो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका अकबर अहमद, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज का व्लॉग बहुत अच्छा होने वाला है। आज हम तीन दिन हो गए हमें मोदाहा में, लेकिन बारिश की वजह से हमारे व्लॉग नहीं हो पाए। बट आज मैंने शुरू किया, थामा हुआ कि नहीं यार, मोदाहा की जनता को जो बाहर है उनको व्लॉग प्रॉपर दिखाने हैं। और आज हमारे साथ हमारा साथ दे रहे सिकंदर भाई, बहुत अच्छा व्लॉग आने वाला है भाई ने। सलाम के जवाब दी जल्दी से कॉमेंट में। सबसे पहले अगर किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर लो यार, कब करोगे। आपका भाई इंस्टाग्राम पे भी रहे नीचे आईडी, तो जल्दी से जाके वहाँ पे फॉलो करिए। और हम निकल रहे हैं मलिकुआ चौराहा की तरफ, वहाँ से फिर कहाँ कहाँ जाते हैं ये आपको व्लॉग में पता चलेगा। तो बस व्लॉग को एंड तक देखिए, क्योंकि मोदाहा की मस्ती आज धमाल होगा। एंड गाइस ये बड़ी कॉमन रोड है हमारे व्लॉग में, अगर आप मतलब मेरे व्लॉग देख रहे हैं, आई थिंक आपको हर व्लॉग में ये रोड ज़रूर दिखेगी, ये कह सकते हैं ये आप फीचर हो रही मेरे हर व्लॉग में। और अभी हम रहमानिया से निकलेंगे, रहमानिया से निकलने के बाद हम जाएंगे क्रॉस। और जो पिछला व्लॉग था रॉयल फ्रेश स्वीट का, वो बहुत उसमें आपने प्यार दिया, थैंक यू सो मच। एंड अगर आपको कोई भी मिठाई चाहिए भाई, मैंने टेस्ट करा, मैं जानता हूँ टीचर हमारा ज़रूर ये मामला ख़राब करेगा। मिठाई बहुत अच्छी है वहाँ पे, मैं गया हूँ, मैंने रिव्यू किया है एंड मैंने टेस्ट भी करा है। ये कमरा मोहल्ला एंड ये हमारे रहमानिया की बिल्डिंग, ये हमारी जान के पापा भाई और ये हमारा रहमानिया। रहमानिया का पेंडिंग व्लॉग है, बस माहौल जैसे ही नॉर्मल होगा मैं ज़रूर इंशाल्लाह उसको बनाऊंगा। और इस वक्त हम चल रहे हैं हैदरिया मोहल्ले की तरफ, और आपको कोशिश है मेरी कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अच्छी अच्छी दिखा सकूं। और आपको याद होगा यहाँ पे ये वो 6 रुपए वाले कबाब की बड़ी तारीफ ही हुई, और कई लोग तो थोड़ा सा शौक है कि भाई मतलब मटन कबाब वो भी 6 रुपए में चटनी के साथ कैसे पॉसिबल होगा। तो यहाँ पे था, अभी बकरीद है, तो बकरीद में तो वैसे घर में लोगों के फ्रिज में गोश्त एकदम रखा हुआ है कायदे से, तो यहाँ पे का नहीं। और ये सालम हाफिज जी का मदरसा, बहुत सारे लोग यहाँ से पढ़ के निकले हुए हैं। और ये हमारा हैदरिया, और इस यहाँ पे हमारी कोचिंग भी थी, ये हमारा JCCV कॉन्वेंट है। संजय भाई और रफा सर की यहाँ पर कोचिंग थी 9th क्लास में 8th क्लास में, और ऑलमोस्ट मैंने 9th 7th 8th सारी क्लासेस मैंने यहीं पर करी है। और सिकंदर भाई ये मोहल्ला, ये कौन सा कसौड़ा, छोटा बड़ा? ये आगे जो है छोटा कसौड़ा आएगा। अच्छा, ये छोटा कसौड़ा है, बहुत लोगों ने कहा घुइया रानी का, ये घुइया रानी का है, बहुत लोगों ने कहा घुइया नहीं भुइया रानी है, नहीं घुइया रानी, घुइया रानी। और यहाँ पे बुरा कुटती है मुहर्रम की 8 तारीख को, यहीं से बुरा किसी मोहल्ले से। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? मतलब बकरी का गोश्त खा रहे हो तो कायदे से। और ये हमारा उपरोस, और ये उपरोस की छिड़ियाँ और कुलियाँ बहुत फेमस है। तो आप देख रहे हो बस ऐसी ऐसी कुलियाँ मिलेंगी पूरे क्रॉस में, बड़े मैदान भी है, जो क्रॉस के लोग हैं वो नाराज ना हो। Yeah, I'm on my way home. I'm no good for you, so I drive around Manhattan. They're all laughing. Oh, I'm tragic. Yeah, I'm driving in my car and seeing open, but I can't go down that road again. I'll smoke a cigarette, but will that help me forget? Will that help me forget you? I just need to forget you. Oh, you. और ये जो क्रॉसी लोग हैं इस मैदान को रहुनिया बोलते हैं, लेकिन जो और तमाम मोदाहा के लोग हैं इसको बड़ा आलाव बोलते हैं या उपरोस बोलते हैं। हमारा रॉयल फ्रेश जहाँ पे हमने लास्ट ब्लॉक किया हुआ था। अम्मा भाई एकदम, तुम तो बिल्कुल जलील वाले, वो दर्द वाले, मोहब्बत वाले नहीं होते, दिल के टूटे हुए जुल्फे देख रहे हो भाई की, हम ऐसी जुल्फे हमारी नहीं है। मतलब बहुत शुक्रिया। और बताओ सब खैरियत? जी अल्लाह भाई। सुबह इस मिठाई इतनी अच्छी थी कि हम दोबारा खाने आ गए। और ये हमारे बड़े पुराने मित्र हैं, हमारा एक अमामा का एक कंट्रोवर्सी इनसे अटैच है, और हमारे सिकंदर भाई। और सिकंदर भाई, हमारा भाई आपकी लास्ट वाली मिठाई बहुत अच्छी थी बहुत। और बाकी अगर वो व्लॉग आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, तो जल्दी से जाइए, यहाँ पे आई बटन पे भी दिख रहा होगा। और बहुत मज़ेदार है पूरा, आपको मैंने रॉयल फ्रेश दिखा दिया, मोदाहा का सबसे बेस्ट मिठाई की दुकान। तो चलिए अब हम यहाँ से मिठाई विठाई खा के सीधे हम चलते हैं देवी चौराहा की तरफ। बने रहिए व्लॉग में, क्योंकि व्लॉग बहुत धमाका और बहुत मस्ती भरा होने वाला है। और दोस्तों, आपने इतना प्यार दिया रॉयल फ्रेश वाले व्लॉग को कि हमारे, देखिए सिकंदर भाई ने गिफ्ट भी दिया हुआ है छोटा सा। ये हमारे कसजाने की बड़ी फेमस हस्ती विकी भाई, और कैसा चल रहा है सब रेस्टोरेंट? बढ़िया चल रहा है भाई, बहुत जल्द नंबर आने वाला है। बिल्कुल
बहुत जल्द नंबर आने वाला है। आप हमारे यहाँ पर भी आए बस इंशाल्लाह बहुत जल्द होता है इसी हफ्ते आऊँ। तो भाई हम हैं इस वक्त उपरोस में और ये सामने आपका है मतलब इन्होंने उनकी तरफ कैमरा मोड़ देना हुआ क्या इन्होंने जो है तो प्रॉपर रॉयल फ्रेश का ब्लॉग देखा हुआ है। और कैसा लगा ब्लॉग आपको? ये हमारे सिकंदर भाई, ये आपका मलिको चरा रास्ता जा रहा है और ये जा रहा है आपका देवी चौराहे की तरफ। ये आ गए हम क्रॉस में रहोनिया में जैसे बोलते हैं। और 10 मुहर्रम को तो यहाँ माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा ही मतलब कि आपका रौनक रहती है। हाँ ये देखिए पूरा क्रॉस ठंडा है। हेलो सब बढ़िया कैसे हैं सर? बस बस बढ़िया। ब्लॉग बन रहा है? बस ब्लॉग सर आपके बहुत बड़े फैन है सर। मैंने आपने उसको मैसेज भी किया था कि आप कमरिया आइए यूट्यूब पर। अच्छा कमरिया में आपने मैसेज किया था? हाँ जी ने मैसेज यूट्यूब पे जो मैसेज बहुत सारे आए थे। जी सर मैंने आपको किया था मैसेज। तो आप आइए सर कमरिया। कमरिया बताओ फिर हम कब आए? आप चाहे जब आ जाए सर कॉल कर दीजिए नंबर आप मैसेज कर दीजिए जिस दिन आप मुझे इंस्टा पे मैसेज करिए जी है ना। और सब बढ़िया ये सारे हमारे सब्सक्राइबर हैं इंशाल्लाह जो है तो कमरिया का ब्लॉग आएगा। थैंक यू सो मच गाइस। वालेकुम अस्सलाम और खैरियत और आपकी जामा मस्जिद अभी एक ब्लॉग आएगा यहाँ के इमरान भाई के सैलून का तो वो ज़रूर देखिएगा। जो ऑडियंस देख रही है ये ब्लॉग ये अपनी चारा मंडी मौदहा की और ये प्राचीन मंदिर हमारे मौदहा का। हमारे मौदहा में भी बहुत सारी प्राचीन चीज़ें मौजूद हैं। सिकंदर भाई ने हमें यहाँ तक साथ दिया थैंक यू सो मच और फिर इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं। बहुत जल्द मुलाकात होगी। बिल्कुल हमारे जुबैर भाई ये हमारे इंदु भाई बिल्कुल बिल्कुल चैनल के सब्सक्राइबर हूँ थैंक यू सो मच। एंड गाइस अभी हम उपरोस से आए हैं और काफ़ी लंबा टूर रहा। ये गिफ्ट भी दिया हमारे सिकंदर भाई ने और अभी हम जा रहे हैं अपनी खाला के यहाँ यानी कि आपा के यहाँ और देखें आपा है या नहीं है एंड फिर आपा से भी मुलाकात कराते हैं। फर्स्ट टाइम इन माई ब्लॉग। अस्सलाम वालेकुम आपा। ये है हमारी खाला सबसे बड़ी खाला और जैसे हम कहते हैं आपा। और सब खैरियत? और आपा जा रही है दवा पिलाने अपने जानवरों को। दवा पिला के आओ आपा फिर आपके लिए कुछ लाए हैं। सो ये हम आपा को नया दुपट्टा लाए हैं। आपा कैसा लगा? अच्छा है पसंद आ? कलर भी अच्छा है अच्छा। मन का भी बहुत सूट करी देख सम्मी कितना अच्छा। या ये दो दुपट्टा लिए थे लखनऊ से एक अम्मी ने ले लिया और एक जो है आपा के लिए। ये कलर बहुत पसंद है आपका ऑरेंज तो मैंने कहा आपको मैं यही कलर लेता हूँ। सो गाइस ये है हमारी सबसे बड़ी खाला जिसे हम क्या पूरा ख़ानदान आपा बोलता है और ये मेरी पसंद का दुपट्टा है। वैसे मेरी पसंद के जितने भी दुपट्टे रहते हैं मतलब कि बहुत कम ही लोग फेल करते हैं क्या है पहना। अभी इसके बाद हम चलेंगे मतलब थोड़ा सा बाहर तो वो भी आपको कराएंगे। बने रहिए पूरे व्लॉग में साथ में बहुत मज़ा आने वाला है। ये हमारे जो है तो राजू भाई है देखो वहाँ से टॉन्ट मार रहे हैं हैं ताना मने या नहीं ने? अरे यार ये मौदहा के सबसे पुराने किराना स्टोर के भाई हमारे राजू भाई और क्या हाल है? बस दुआएं हैं अल्लाह सब बढ़िया। तो बाकी अभी हम हैं इमामुद्दीन के साथ में और हम राधे राधे के यहाँ पी रहे हैं कोल्ड ड्रिंक क्योंकि गर्म मौदहा में थोड़ी सी हो रखी है और हमने बकरी की कलेजी भी बहुत सारी खा रखी है। कोल्ड ड्रिंक पियेंगे थोड़ा सा हजम करेंगे और बाकी फिर निकलेंगे हम घर की तरफ। इस ब्लॉग का भी यहीं पे एंड करेंगे तो चलिए सबसे पहले हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं राधे राधे का। ये देखो लड़ाई लड़ाई ओ अरे 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 बस बस कर अरे 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 बस बस छोड़ो 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 इतना इधर आओ कहाँ है। ये है हमारे छोटे भांजे साहब दादे और सब बढ़िया। क्या नाम है? जिब्रान। मम्मी कहाँ है? मम्मी घर में। पापा? पापा मौदा में। मौदा में अच्छा आप नहीं मौदा में नहीं। ये हमारे छोटे भांजे साहब हैं हमारी जो है तो बड़ी प्रिय लड़के। सो गाइस अभी हम आ गए हैं इजान के घर पे और है बकरीद का मौका तो इनवाइट थे तो हमने कहा चलो। वैसे तो पेट वेट सब भरा हुआ है लेकिन बकरीद का मौका है तो दो चार चम्मच तो चलता है क्यों इजान? सो इजान कुछ चलेगा आज नहीं चलेगा? बिल्कुल चलेगा जो आप बोलेंगे वो चलेगा। जो है तो आज पैर में काफी चोट आ गई ये टेरेस में गिर गया ठीक है। हाँ बढ़िया है